नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गई काले अपने धोरण सात में चेप्टर नंबर नौ समय सारणी नो भाग एक जोयो हतो। हवे आजे अपने भाग बे जोवानो छे। तो एमा गई काले भाग एक नी अंदर अपने दैनिक क्रियाओ विषेनो तेमज अन्य बीजी घर थी बहार कोई व्यक्ति बहार जाते हुए एना माटेनो समय सारणी एटले के टाइम टेबल बनावानी विगत जोई हती। तेमज रांधनपुर बस डेपो जे छे एना कया प्लेटफॉर्म पर थी कया रूटनी बसों जाए से, लोकल जाए से, एक्सप्रेस जाए से, एना विषेनी माहिती जोई हती। त्यार पछी एसटी विभाग, रेलवे विभाग, विमानी सेवाने वधारे जानकारी प्राप्त करवा माटे एनी वेबसाइट जोई हती। त्यार पछी केटलाक टीवीना कार्यक्रमों विषेनी माहिती जोई हती। एमां टेलिविजन प्रसारणनी समय सारणीमां मैक्स, बी फोर यू, डिस्कवरी, टाइम्स नाउ, न्यूजनी चेनल वगैरेनो केटलाक प्रोग्रामो विशे जोयुं हतुं। हवे आजना विडियोनी अंदर आपणे होटल बच्चा पार्टी जे छे एना विशे जोवानुं छे। तो कोईपण होटलनी अंदर जाइए त्यारे सौ प्रथम त्यां मेनू जे होय छे એ આપણે ખાસ જોતા હોઈએ છીએ, તો એવો મેનુ વિશે જોવાનું છે આજ। તો હોટલ બચ્ચા પાર્ટી મેનુ, ગુજરાતી થાલી 65 રૂપિયે, ગુજરાતી થાલી ફિક્સ 45 રૂપિયે, પૂરી શાક 35 રૂપિયે, શ્રીખંડ પૂરી 40 રૂપિયે, સબ્જી દાલ ફ્રાય 20 રૂપિયે, ચના મસાલા 25 રૂપિયે, સેવ ટમાટર 20 રૂપિયે, સેવ મસાલા 30 રૂપિયે, આલુ પાલક 25 રૂપિયે, મિક્સ ભાજી 22 રૂપિયે, આલુ મસાલા 25 રૂપિયે, આલુ મટર 30 રૂપિયે, પનીર સબ્જી, પાલક પનીર 35 રૂપિયે, કાજુ કરી 50 રૂપિયે, પનીર ભુરજી 40 રૂપિયે, મલાઈ કોફતા 35 રૂપિયે, પનીર ટીકા 40 રૂપિયે, મટર પનીર 35 રૂપિયે, સલાડ સેહત કે રખવાલે, ટમાટર 10 રૂપિયે, કકડી ટમાટર 10 રૂપિયે, ગ્રીન સલાડ 15 રૂપિયે, सब्जी के संग संग जो लेते हैं, सब्जी अकेले है तो खाई नहीं जाती, इसलिए सब्जी के साथ रोटी, चपाती, नान, परोठा वगैरह वगैरह ले सकते हैं। तो रोटी 5 रुपया, चपाती 4 रुपया, नान 8 रुपया, परोठा 7 रुपया, राइस में जीरा राइस 35 रुपया, पुलाव 40 रुपया, वेज बिरयानी 45 रुपया, सादा राइस 20 रुपया, कुछ चटपटा हो जाए पाव भाजी 25 रुपया, पिज्जा 35 रुपया, मसाला डोसा 25 रुपया, वड़ा पाव 8 रुपया, सैंडविच 7 रुपया, भेल 15 रुपया, दाबेली 5 रुपया। इसके बाद कुछ ठंडा हो जाए, सास 5 रुपया, दूध 10 रुपया, आइसक्रीम 20 रुपया, बादाम शेक 25 रुपया, लच्छी 25 रुपया। तो इस तरह बच्चों हम होटल में जब खाना खाने के लिए जाते हैं तब सबसे पहले मेनू देखते हैं। मेनू में जो भी लिखा होता है उसमें से हमें जो पसंद आता है वो हम लेते हैं। इसका पैसा यानी भावपत्रक भी साथ में ही लिखा होता है, इसलिए हमें देखने में सरलता रहती है। अब इसके आगे उपयुक्त मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाइए एवं भावपत्रक भी लगाइए। तो क्रम नंबर में दिया गया है, इसमें 10 चीज वस्तुओं का नाम आपको लिखना है, इसकी कीमत जो है वो उनके सामने लिखनी है। लास्ट में कुल यानी कुल पैसे कितने होते हैं ये लिखना है। तो ऐसा एक भाव लगाकर बिल बनाना है जो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आप कभी कोई भी बिल की कुल रकम जांचते हैं? आपको इसका उत्तर देना है। क्यों? ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन कुल रकम जांचते हैं, हाँ या ना में उत्तर देना है। तो हाँ, हाँ में तो क्यों, ना में तो क्यों, ये सब लोगों के अपने अपने
तरकीब होती है सोचने की, हमें बिल के कुल मूल्य क्यों जांचना चाहिए, हमें कुल बिल का कुल मूल्य जांचना चाहिए क्योंकि जो भाव पत्रक में लिखा है वही भाव लगाया गया है या उससे कहीं अलग लगाया गया है, यह देखने के लिए और साथ में कुल मूल्य सही है या गलत है यह देखने के लिए हमें बिल का कुल मूल्य जांचना चाहिए। हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? यहाँ प्रश्न दिया गया है कि हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल लेना चाहिए क्योंकि जो भी वस्तु खरीदते हैं उस वस्तु का सही भाव लगाया है या नहीं लगाया, अगर फिर से कोई चीज़ वस्तु वापस करनी हो तो वह देने के लिए हमारे पास बिल मांगा जाता है, इसलिए हमें कहीं से भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरे रंग का इस चिन्ह का क्या अर्थ है? तो खाने पीने की चीज वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरे रंग का इस चिन्ह का अर्थ होता है कि यह चीज वस्तु जो भी है वह शुद्ध शाकाहारी है, यह बताता है। इसके बाद गुजरात सरकार के द्वारा वाजपेयी भाव की सरकार मान्य दुकान हर एक गांव में होती है, हर एक शहर में होती है, जिसे नाम दिया गया है पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार। तो वहां से भी हमें जो भी चीज वस्तुएं मिलती है उसका हमें एक भाव पत्रक के साथ चीज वस्तुओं के साथ बिल बनाया हुआ दिया जाता है। तो यहाँ उसका लाइसेंस नंबर दिया गया है 2/6/73 दिनांक 1/8/2011, जो भी चीज वस्तु ली है उसका पूरा बिल दिया गया है। क्रम नंबर है 1 से 5, वस्तु का नाम तो चीनी, नंबर 2 पे आयोडीन युक्त, नंबर 3 गेहूँ, नंबर 4 चावल, नंबर 5 मिट्टी का तेल, प्रति आदमी अनुपात। चीनी जो है वो हर व्यक्ति के लिए महीने का 350 ग्राम दी जाती है, प्रति कार्ड अनुपात अधिकतम संख्या अनुसार एक व्यक्ति के अनुसार 350 ग्राम मिलती है। तो यहाँ उसकी 1 किलो की जो किलोग्राम की जो कीमत है वो लिखी है 13.50 रुपया। तो आपके घर में 5 आदमी हो तो 350 ग्राम गुना 5 करेंगे तो जो भी आपके घर में चीनी मिलती है वो चीनी कुल हो जाएगी 1 किलो से ज़्यादा होगी, तो जितनी ज़्यादा होगी उतना 1 किलो का 13.50 रुपया इसमें जोड़कर कुल कीमत देख सकते हैं। नमक आयोडीन युक्त 1 किलोग्राम प्रति कार्ड अनुपात, हर एक कार्ड में 1 किलोग्राम नमक आयोडीन युक्त दिया जाता है जिसका 1 रुपया है। गेहूँ 15 किलोग्राम एक कार्ड के ऊपर 15 किलोग्राम गेहूँ दिया जाता है जिसका 1 किलो का मूल्य है 5.40 रुपया। चावल 6.6 किलो 500 ग्राम प्रति कार्ड अनुसार इसका 1 किलो का मूल्य है 7 रुपया। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन जिसे हम कहते हैं 1 लीटर 500 ml, तो 1 लीटर 500 ml प्रति कार्ड के ऊपर मिलता है जिसमें अधिकतम संख्या के अनुसार मिलता है ये, तो 14.35 रुपया इसका मूल्य है। अब इन सब का कीमत जो लास्ट खाने में दी गई है उसका टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो चीज वस्तु ये सरकार द्वारा हमें दी गई है इसका कुल मूल्य कितना है। ये अब उपयुक्त भाव पत्रक के आधार पर बताएं कि आपके परिवार के सदस्य की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपये होंगे। आपको चीनी कितनी मिलेगी, आपके घर में सदस्यों की संख्या के अनुसार मानो 4 व्यक्ति है तो 350 ग्राम एक व्यक्ति के अनुसार मिलती है, तो 2 की
कितनी होगी? दो ही आदमी है ऐसा हम समझ लेते हैं तो 700 ग्राम मिलती है, तो चार व्यक्ति जो होंगे तो 1400 यानी 1 किलो 400 ग्राम मिलेगी। 1 किलो का भाव है 13 रुपया 50 पैसा, और इसका आधा किलो 400 ग्राम जो होता है उसका फिर से ऊपर जोड़ देने से हमें पूरी चीनी मिल कितने रुपये मिलेगी यह मिल जाएगा। नंबर दो, आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपये होंगे? चावल तो के चावल के कीमत दी गई है 7 रुपया, चार व्यक्तियों के लिए 6.5 किलोग्राम, 6 किलो 500 ग्राम जो प्रति कार्ड अनुसार है, तो 1 किलो का 7 रुपया है 42 और 3.5 रुपया बीजा दूसरा है तो उसका 42 और 3 45 रुपया 50 पैसा चावल का होगा चार व्यक्तियों के अनुसार। हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए क्योंकि इसमें से हमें शरीर को पोषण मिलने योग्य सभी प्रकार के गुण मिलते हैं। मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? मिट्टी का तेल का उपयोग हम लालटेन जलाने के लिए उपयोग करते हैं, स्टोव में रसोई बनाने के लिए उपयोग करते हैं, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ और मिट्टी का तेल का हम उपयोग करते हैं। अब योग्य विस्तार उपभोक्ता अधिकारी की अधिक जानकारी के लिए देखें तो www.ncdrc.nic.in, इस पर आप वेबसाइट खोलेंगे तो उपभोक्ता अधिकारी के लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए वह मिल सकेगी। इसके बाद आपकी पाठशाला की हस्तलिखित समय सारणी, आपके गांव या शहर के बस रेल आदि की समय सारणी का अध्ययन करें। इसके बाद वाणिज्य उपयोगी कितने ही ऐसे शब्द है जो परीक्षा के अंदर आ जाते हैं तो उसका हम हिंदी और गुजराती दोनों देखेंगे। अंश का गुजराती होता है शेर, उठाव का उपाड़, उधार का उधार, औसत का सरासरी, कम बेसी तो वधकट, पीढ़ी तो पेढ़ी, खरीददार ग्राहक, खाता तो के खातू, गिरावट घटाड़ो, बखार वखार, बटगट वधगट, चुंगी जकात, जमा तो जमा, जोखिम तो जोखम, थोक यानी जत्थाबंद, दस्तखत यानी सही, नकद यानी रोकड़ा। इसके बाद नीख यानी नेट, नीलाम तो लीलाम, हराजी, पेशगी यानी बयाना तो उसका गुजराती होगा बानो, फुटकर तो सूटकर सूटक, बट्टा यानी वड़तर, बढ़ती यानी उसाड़ो, वही यानी चौपड़ो वही, बिकवाली वेचाण विक्रय, बिकवाली वेचाण विक्रय, मंगनी मुंदती हुंडी, महसूल नूर और महसूल, मुनाफा यानी नफो, रुक्का यानी चेक, लाभांश या फायदो, लेवाली तो के खरीदी, सूद यानी ब्याज, हिसाब तो हिसाब, हिस्सेदार तो भागीदार। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ समय सारणी पार्ट एक और पार्ट टू दोनों देखे। अब पार्ट टू में जो भी हमने पढ़ा है देखा है उसको मैं आपको लेसन में नोट में लिखने के लिए एक फ़ोटो भेज दूंगा, उसमें से आप देख लेना, जो भी लिखना है वो सब आपको मिल जाएगा। तब तक नमस्कार।